अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर शीना नाजिम। जो टॉपिक हम लोग, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका नाम था फंडामेंटल अलजेब्रा। और जो अब तक हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन सीखा कि अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हो सकती है अलजेब्रिक टर्म्स की। फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। दैन फिर हमने उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन पढ़ी, एक्सपेंशन पढ़ी कि किस तरीके से हम अलजेब्रिक टर्म्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं और हम किस तरीके से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब किस तरीके से हम सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ ली थी। अब जब मैं बात करती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उसके अंदर, क्योंकि पिछली स्लाइड्स के अंदर हम बारहा दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी होती क्या है। वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। वो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलाकर हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म बन जाती है, और जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या होते हैं। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सपेंड किस तरीके से कर सकते हैं, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर सीखी थी। इस स्लाइड के अंदर और इस टॉपिक के अंदर, जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन ही सीखेंगे, मगर पिछले टॉपिक के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी थी, मगर यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन सीखेंगे। अब ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्रैक्शनल मतलब वर्ड, फ्रैक्शनल का वर्ड निकला है फ्रैक्शन से। तो मतलब ये कि इसके अंदर हम वो उन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। फ्रैक्शन मतलब वो नंबर जो रेशनल नंबर हों, या फिर अपॉन की फॉर्म में, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हों, जैसे कि 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, जैसे 2/3 इज़ अ फ्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स नहीं दी जाएंगी, बल्कि जो अलजेब्रिक टर्म्स होंगी ना, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3a इज़ अ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, इज़ अ फ्रैक्शनल टर्म। 2/3a प्लस 4/3b इज़ अ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है। सही। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों ने इस टॉपिक में और इस स्लाइड के अंदर क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं हमारे लिए आगे इस टॉपिक के अंदर मज़ीद क्या है। सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल लास्ट लाइन के अंदर हमारी मेन हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन यानी कि हमें पहले फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें हमारे पास हमारे जहन में उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, हम क्वेश्चन करने के काबिल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के रूल्स क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने अलजेब्रा के रूल्स आपको सिखाए, जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स के रूल्स सिखाए थे, उस तरीके से फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के भी या रेशनल एक्सप्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। आइए उन रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन मीन्स एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन जो कि किस फॉर्म में मौजूद हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद हो। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन के वर्ड को अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्रेशन को भी अंडरलाइन कर रही हूँ, ऐसी एक्सप्रेशन जो कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। एक्सप्रेशन तो हो लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द रूल्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन इज सेम एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया, रेशनल नंबर कहें या फ्रैक्शन कहें तो बात एक ही होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के रूल्स हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं रेशनल नंबर की तरह, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर की तरह। सपोज़ अगर मैं अगर अलजेब्रा को साइड पर रखे अर्थमेटिक की बात करूँ, तो
तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है अपने प्रीवियस नॉलेज से. हमें ये चीज़ पता चली है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है आपके पास 2/3, तो आप उन दो नंबर्स को 1/2 भी एक रेशनल नंबर है और 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, तो आप उन दोनों नंबर्स को किस तरीके से ऐड करेंगे. तो इन इस तरह के रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग सीख कर आ चुके हैं. सो जो रूल्स हमने रेशनल नंबर में सीखे थे वही रूल्स हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. बट फर्क कितना होगा कि यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक नंबर्स नहीं होंगे बल्कि अर्थमेटिक नंबर्स के साथ वेरिएबल भी लगा हुआ होगा और वो एक्सप्रेशन बना रहे होंगे, यानी कि एक्सप्रेशंस दी जाएंगी आपको यहाँ पर. सो आइए देखते हैं कि आगे की स्लाइड में हमारे लिए क्या है. सो इस स्लाइड के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स जो हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हुए जहन में रखते हैं. आइए रूल्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमसे कहा गया है. रूल नंबर 1 पहली की लाइन में है. रूल नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सिमिलर वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन. जब भी आप किसी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस सूरत में आपने अपना डिनोमिनेटर सिमिलर करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों को. मैंने यहाँ पे साइड पे एक नंबर लिखा हुआ है मार्कर से जो कि है 1/2 + 3/4. ये एक रेशनल नंबर है. 1/2 भी एक रेशनल नंबर है और 3/4 भी एक रेशनल नंबर है. ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक नंबर है, अर्थमेटिक का एक नंबर है. क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते. ये एक अर्थमेटिक का नंबर है. तो अगर मैं 1/2 और 3/4 को प्लस करना चाहूँ तो मुझे लाजमी पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर मतलब जो ये नंबर नीचे लिखा हुआ है, जिस पहले 1/2 के अंदर जो डिनोमिनेटर में जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसे, ये 2 है, और दूसरे नंबर में 4 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर. मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है. 2 और 4 डिनोमिनेटर्स हैं, तो आपको पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा बाय टेकिंग द एलसीएम. हमें रफ कॉलम में जाके 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा, और 2 और 4 का एलसीएम लेने के बाद हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा. ये कॉन्सेप्ट हम पहले फ्रैक्शन के चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं. सो यही रूल हमारा रेशनल नंबर के अंदर चलता है, और बिल्कुल यही रूल एज इट इज़ रूल हमारा फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है. कि अगर सपोज़ आपको नंबर दिया हुआ है ऐसा जिसके अंदर फ्रैक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो आपने पहले उसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद ही वो आइडिया सेपरेट होगा. रूल नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेन देयर इज़ अ साइन ऑफ इक्वल्स टू बिटवीन द फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन. जब भी आप दो फ्रैक्शनल टर्म आपको दी हुई हो या फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आपको दी हुई हो, अगर उनके दरमियान आपके मौजूद है इज़ इक्वल्स टू, तो इसका मतलब आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से. सो यहाँ पर जब भी फ्रैक्शंस दिए हुए हों दो, वो फ्रैक्शन ऑब्वियसली अल्जेब्रिक फॉर्म में होंगे, या तो अल्जेब्रिक टर्म होगी या कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी. सो जब भी फ्रैक्शंस दिए हुए हों, चाहे वो अल्जेब्रिक टर्म हो चाहे वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, और उन दो फ्रैक्शंस के दरमियान इज इक्वल्स टू का साइन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है. सो ये वो रूल्स थे जो हमें पता होने चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन. फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन का कोई सा भी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आपको दी हुई है और उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अंटिल अनलेस आप उसके डिनोमिनेटर सेम करें. और सेकेंडली ये कि जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान इज इक्वल्स टू हो, सो यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आइए देखते हैं फर्दर हमारे पास स्लाइड में क्या मौजूद है. होपफुली यहाँ तक आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे. लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर
हमें क्या करना है। सवाल ये है, ए अपॉन थ्री माइनस ए अपॉन फोर, ए अपॉन थ्री भी एक एल्जेब्रिक टर्म है, ए अपॉन फोर भी एक एल्जेब्रिक टर्म है, और ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, एक एक्सप्रेशन बना रही हैं। तो ये एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गई, ए अपॉन थ्री माइनस ए अपॉन फोर। आपने इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स इसलिए क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स हैं, पहली टर्म के अंदर भी ए मौजूद है, दूसरी टर्म के अंदर भी ए मौजूद है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ, इस इन दोनों टर्म्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मगर सब्ट्रैक्शन उस सूरत में हो सकता है जब इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। एक का डिनोमिनेटर है थ्री जबकि दूसरे का डिनोमिनेटर है फोर। तो जैसे कि अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर किस तरह सेम करने हैं आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, एज द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सिमिलर, जैसे कि हमें पता है इनके डिनोमिनेटर्स सिमिलर नहीं हैं, सो टेक द एलसीएम फर्स्ट टू मेक दम सिमिलर। तो आपने इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है पहले ताकि आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें। क्या है मेरे पास डिनोमिनेटर, एक है थ्री और एक है मेरे पास फोर, ठीक है। सो थ्री और फोर हमें ऐसा नंबर चूज़ करना होता है, हम रफ कॉलम में गए, हमने ये चीज़ देखी कि भाई थ्री और फोर हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, हमने उनका एलसीएम लेना है, साइड में हमने टेबल बनाया प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब हमने यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में या तो थ्री फोर दोनों नंबर आते हों या दोनों नहीं आते हों, तो फिर एक आता हो। थ्री और फोर दोनों एक किसी एक टेबल में नहीं आते, अलग अलग टेबल्स में आते हैं। तो आइए पहले मैंने यहाँ ले लिया थ्री वन ज़ा थ्री, क्योंकि थ्री के टेबल में फोर नहीं आता तो मैंने फोर यूँ ही लिखा रहने दिया। अब मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसके टेबल में फोर आता हो, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ टू, वन यूँ ही लिखा रहने देंगे, टू टू ज़ा फोर। अब मेरे पास आ गया वन और टू, तो लास्ट स्टेप के अंदर मैं फिर से टू लूँगी क्योंकि टू के टेबल में टू आता है, सो टू वन ज़ा टू और टू वन ज़ा टू। इस तरीके से मैं थ्री इंटू टू और टू इंटू टू इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्वेल्व। इसका मतलब मुझे अपना डिनोमिनेटर किसके बराबर करना है, ट्वेल्व के बराबर करना है। अब जब मैंने एलसीएम ले लिया और मुझे ये चीज़ भी समझ में आ गई कि मुझे अपना डिनोमिनेटर 12 के बराबर में करना है, 12 की इक्वल करना है, सो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना डिनोमिनेटर 12 के इक्वल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें अपने डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड के अंदर, हमने एलसीएम साइड पे ले भी लिया था एलसीएम, हम आपकी हेल्प के लिए ताकि आपको याद आ जाए किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, ऑल्दो ये वाला एलसीएम वाला पार्ट आप लोगों को आता होगा, आप ये चीज़ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के चैप्टर में, आप सबने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैंने वहाँ पर साइड पर एक रफ कॉलम सा बना कर काम कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, वो एक रिव्यू हो जाए। तो बहरहाल हमारे पास एलसीएम आ गया था 12, मतलब कि वी हैव टू मेक अवर डिनोमिनेटर्स 12, हमें अपने डिनोमिनेटर को 12 के बराबर करना होगा। सो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, नाउ मेक द डिनोमिनेटर सिमिलर, मल्टीप्लाई 3 विद 4 एंड 4 विद 3 जस्ट लाइक दिस। हमें अपना डिनोमिनेटर करना है 12 के बराबर। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर मौजूद था वो था 3। हमें 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आ जाए, यानी कि 3 का टेबल पढ़ना है और उस वक्त तक पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9 और 3 फोर ज़ा 12। तो इसका मतलब कि जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 फोर ज़ा 12 आएगा। तो इस वजह से मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ गया किससे,
4 से. ये मैथ्स का रूल होता है कि आप डिनोमिनेटर में जो भी काम करें आपको न्यूमिनेटर में भी वही काम करना होता है. सो अगर मैंने डिनोमिनेटर के अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. न्यूमिनेटर में मेरे पास a मौजूद था तो मैंने a को भी मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. एज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स वट एवर आई हैव डन इन द डिनोमिनेटर आई मस्ट हैव टू डू द सिमिलर थिंग इन द न्यूमिनेटर एज वेल. सो अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था. माइनस अगला जो मेरे पास नंबर था वो a अपॉन 4 था. मुझे इस 4 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आ जाए. तो मैंने 4 का टेबल पढ़ना शुरू किया. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 थ्री ज़ा 12. इसका मतलब कि जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 12 मिल जाएगा. तो इसका मतलब मुझे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और मैंने यहाँ पे इस चीज़ को शो भी कर दिया है दैट 4 मल्टीप्लाई बाई 3 विल मेक 12. क्योंकि मैथ्स का रूल है जो काम मैं डिनोमिनेटर में करती हूँ वही न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है. तो न्यूमिनेटर में मेरे पास a था, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. जो काम जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में किया उसी चीज़ से मल्टीप्लाई मुझे न्यूमिनेटर में भी करना पड़ा. और जो काम मैंने अभी पूरा प्रोसेस में आपको बताया है यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. एज वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद द सिमिलर नंबर. जैसे कि हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है नंबर से तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स हम लोगों को न्यूमिनेटर से भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा. सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एलसीएम लेने के बाद अपने डिनोमिनेटर सिमिलर करने की कोशिश की. जब हमने डिनोमिनेटर सिमिलर कर लिया सो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए क्या है. सो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर को 3 को 4 से तो 3 4 से 12 आ जाएगा. और ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो a को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे मिल जाएगा 4a जो कि पहले स्टेप में लिखा हुआ है. उसके बाद सेकेंड वाला जो टर्म थी वहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था. डिनोमिनेटर में 4 था, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 हुआ. और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो जब मैंने a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 3a. अब मेरे पास डिनोमिनेटर्स सिमिलर आ चुके हैं. अब जब मेरे डिनोमिनेटर सिमिलर आ चुके हैं तो मेरे लिए अब काम करना आसान है. अब मेरे लिए माइनस या सब्ट्रैक्शन करना काफ़ी आसान है. ओके, सो डिनोमिनेटर में 12 आ गया है. सो अब मेरे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ फ्रैक्शन बनाया. जो भी डिनोमिनेटर थे क्योंकि वो दोनों सिमिलर थे अब वो डिफरेंट नहीं रहे तो मैंने उनको एक ही दफ़ा लिख दिया 12. न्यूमिरेटर में अलबत्ता जो मेरे पास मुख्तलिफ नंबर थे, एक में 4 आ रहा था, एक में 3 आ रहा था, तो मैंने उसको 1 by 1 लिख दिया. और क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे थे तो मैंने इनके दरमियान माइनस का साइन लगा दिया. तो इन दोनों मैंने टर्म्स को कंबाइन कर दिया. दैट विल मेक 4a माइनस 3a अपॉन 12. 4a और 3a क्योंकि लाइक टर्म्स और ये सेपरेट हो सकते हैं तो जब मैं 4 में से 3 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 1a. यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 1a अपॉन 12 और ये मेरा आंसर है क्योंकि अभी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये चीज़ सीखी कि जब आपको लाइक टर्म्स दी गई हो और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो मगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम किस तरीके से उनके डिनोमिनेटर सेम करके उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं. हाँ, तो हमने क्या चीज़ सीखी कि हमें अपना डिनोमिनेटर सेम करना है बाय टेकिंग द एलसीएम. जब हमने एलसीएम ले लिया तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. सो बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर सेम ना हो, लाइक टर्म्स हो, लाइक टर्म्स होंगी तभी सॉल्व होंगी. अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, अनलाइक टर्म्स को तो हम ऐड या सबट्रैक्ट कर ही नहीं सकते. सो ऐड या सबट्रैक्ट करना हो, लाइक टर्म्स भी हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आपने डिनोमिनेटर सेम करना है. किस तरीके से करना है वो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या है. होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव टूवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अनदर वेराइटी. यहाँ पे आपको एक अलग सवाल दिया गया है. एक अलग सवाल इस नोयत का है कि पहले वाले सवाल के अंदर हमें एल्जेब्रिक टर्म दी गई थी लेकिन यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है. एक्सप्रेशन मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं बल्कि वेरिएबल के साथ एक कॉन्स्टेंट भी अटैच हुआ है. जेड माइनस 4 एक्सप्रेशन है. जेड माइनस 4 अपॉन 4 माइनस जेड प्लस 2 अपॉन 8. तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम हैं.
तो इसका मतलब हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं। हाँ, हम इन दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके दरमियान आपस में सबट्रैक्ट का साइन है, तो मतलब हम इन्हें सबट्रैक्ट कर तो सकते हैं अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स सिमिलर कर दें, क्योंकि ये दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये सॉल्ट आउट हो सकती हैं अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। और डिनोमिनेटर सेम करने का सही तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें लेना होता है LCM डिनोमिनेटर्स का। आइए देखते हैं सोल्यूशन में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सिमिलर बाय टेकिंग LCM। वही काम जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है बाय टेकिंग द LCM। LCM हम किसका लेंगे भाई, 4 का और 8 का। 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और वो टेबल कौन सा है, 2 का भी है 4 का भी है। सो यहाँ पर हम LCM लेंगे 4 और 8 का, ठीक है। जब हम 4 और 8 का LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 8। दैट फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सिमिलर बाय टेकिंग LCM, दैट वुड बी 8, जो कि 8 आएगा। ये काम आप लोग अपने रफ कॉपी में, जो आप लोगों के पास कॉपी और पेंसिल होगी, जिस जो आप लेकर बैठे हुए होंगे यकीनन, उस कॉपी और पेंसिल पे 4 और 8 का LCM लेके देखिएगा, वहाँ पर LCM 8 आएगा। एंड मेक द डिनोमिनेटर सेम जस्ट लाइक, जब आपके पास LCM आ जाएगा, आपने रफ कॉलम में टेबल बनाकर LCM निकाल लिया होगा, तो यकीनन 8 आएगा। अब आपने अपना डिनोमिनेटर 8 किस तरीके से करना है, आइए चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। LCM आपने ले लिया जो कि आया 8। अब आपने अपना डिनोमिनेटर बराबर करना है 8 के, जो कि अभी 4 है। तो आपने 4 का टेबल पढ़ना है, और उस वक्त तक पढ़ना है कि जब तक 8 ना आ जाए। तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 4 विद 2 यू विल गेट 8। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 4 जो 4 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट as according to the rule of mathematics, अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ न्यूमिनेटर के अंदर एक टर्म नहीं है बल्कि 2 टर्म्स हैं, दैट इज़ 7 माइनस 4। तो हमें इस पूरे के पूरे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्योंकि हमें ये 2 पूरे न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, जो कि ये चीज़ शो कर रहा है कि 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाती, 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखती, तो ये चीज़ शो होती है कि 2 सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑल तो ऐसा नहीं है, 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जेड से भी मल्टीप्लाई होगा, और इस चीज़ को शो करने के लिए ब्रैकेट लगाया गया है, ताकि ये चीज़ शो हो जाए कि 2 विल नॉट ओनली मल्टीप्लाई विद 4, इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद जेड इज विल। ऑलराइट, यही काम हम करेंगे अपने दूसरे फ्रैक्शन के अंदर, जो कि है जेड प्लस 2 अपॉन 8। यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास 8 मौजूद है, डिनोमिनेटर में 8 ही है, उसको सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जस्ट सिंपल पढ़ेंगे 8 का टेबल, तो हमें पता है 8 वन ज़ा 8, तो डिनोमिनेटर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली न्यूमिनेटर को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जस्ट बिकॉज हमें ये चीज़ शो करनी है कि 1 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 जेड से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने ये चीज़ ब्रैकेट की फॉर्म में शो कर दी, दैट शोज़ दैट 1 विल मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 1 विल मल्टीप्लाई विथ जेड इज़ वेल। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो पिछले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्क था कि पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पे न्यूमिरेटर में सिर्फ एक ही टर्म मौजूद थी, मगर यहाँ न्यूमिरेटर में 2 टर्म्स मौजूद हैं, और नंबर जो है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत महसूस हुई। होपफुली ये वाला स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में इस सवाल के अंदर क्या हुआ है। पहला स्टेप तो वही है जो हमने पिछली साइड के अंदर पढ़ा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर आप लोग देखिए, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें अब मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पहले z से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल जाएगा 2z। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल जाएगा 8। 2 4 ज़ा 8। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का भी ध्यान रखते हैं, z का साइन प्लस है, 2 का साइन भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 2 का साइन प्लस है, 4 का साइन माइनस है, प्लस माइनस, माइनस 8 अपॉन 8।
माइनस का साइन अलबत्ता मैंने यूँ ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में सेकंड नंबर पे आए, सेकंड फ्रैक्शन पे आए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 8, 1 को जब मैं z से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1z या z मिलेगा, बोथ आर सेम, और प्लस 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा। नहीं प्रॉब्लम, होपफुली यहाँ तक कोई चीज़ समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को हर चीज़ यहाँ तक होपफुली समझ में आ गई होगी। ब्रैकेट का ब्रैकेट मैंने अभी भी जेड प्लस टू के साथ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बाहर मौजूद है माइनस का साइन। जब भी बाहर माइनस का साइन होता है इट मीन्स देयर इज़ अ रेड अलार्म फॉर मी। रेड अलार्म क्यों होता है आइए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैंने एक फ्रैक्शन बनाया और डिनोमिनेटर मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया, और अब बारी आती है न्यूमरेटर की, मुझे न्यूमरेटर लिखना है 1 by 1। सो न्यूमरेटर मैंने लिखा 2z माइनस 8, सो ये बिल्कुल मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब ये बाहर माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये रेड अलार्म है कि जब भी माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो ये माइनस का साइन पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो इस वजह से हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं सेकेंड वाले स्टेप में। जो मैंने ब्रैकेट लगाया है z प्लस टू के साथ वो इसी वजह से लगाया है कि इसके बाहर साथ माइनस का साइन है और माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सो अगले स्टेप में थर्ड स्टेप के अंदर इस माइनस के साइन को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। 1z का साइन प्लस है और बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो मुझे माइनस जेड या माइनस 1z मिल जाएगा। माइनस के साइन को जब मैं प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस प्लस माइनस और 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। होपफुली वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ हमने क्या करना है, अब हमने अरेंज करना है। अरेंज हम करेंगे तो पहले हमने लिखा 2z, लाइक टर्म्स अरेंज होंगी, 2z की लाइक टर्म है z, साथ में हमें साइन का भी ध्यान रखना है, z के पहले माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया माइनस z, माइनस 8 और माइनस 2 जो कि कॉन्स्टेंट टर्म्स थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। होपफुली यहाँ तक अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी, ये चीज़ अपने पहले वाली साइड में भी सीखी है। अब यहाँ पर पहुँच के 2z और z आपस में माइनस हो रहे हैं, 2z का साइन प्लस है, 1z का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन हो रहा है वो माइनस हो रहा है, मतलब 2 में से मुझे 1 को माइनस करना है। तो जो मैं 2z में से 1z को माइनस करूँगी तो मुझको मिल जाएगा 1z। 8 और 2 इन दोनों के दरमियान क्या फंक्शन हो रहा है ये चीज़ डिसाइड करेगा इनका साइन। 8 का साइन है माइनस, 2 का साइन भी है माइनस, सो माइनस माइनस विल मेक प्लस। इसका मतलब कि 8 और 2 आपस में होंगे प्लस, ऑल दो साइन माइनस के लगा हुआ है बट इनके दरमियान जो फंक्शन हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है वो प्लस हो रहा है। तो जब मैं 8 में 2 प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 10। और ये बात ध्यान में रखनी है हमने कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो बड़े नंबर का साइन आता है, 8 और 2 में बड़ा नंबर 8 है, 8 का साइन माइनस है तो 10 के साथ माइनस का साइन लगेगा। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा z माइनस 10 ओवर 8। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अब कोई भी लाइक टर्म हमारे पास बची नहीं है, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर।